का स्वागत है, मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा के एम्स स्थल पर शिलान्यास को लेकर के अब पूरा युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हम बता दें, मात्र 48 घंटा में ही यहाँ की स्थिति और तस्वीर बदल गई है। ये देखिए वह जो मुख्य मार्ग है, जो शोभन हाईवे जा रहा है, वहाँ देखिए, वहाँ पर अग्निशमन विभाग के गाड़ियों के द्वारा वहाँ पूरी तरह पानी पटाया जा रहा है। ये देखिए, ये सड़कें बन गई है। ये देखिए, इधर से पूरा पानी लेकर के आ जाता है और पूरे सड़क को पानी देकर के रोलिंग करते हुए यहाँ पर पूरी तरह अब सड़क बन गई। चलिए हम आपको दिखाते हैं। वो देखिए, ये पहला जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं ना, ये बैरिकेडिंग है आपको हेलीपैड का। इस हेलीपैड स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे और इस हेलीपैड को 1000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। देखिए, कहाँ जंगल, कहाँ कीचड़, आज देखिए पूरी तरह समतल। यानी समझिए, एम्स को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो आरोप लगाए जा रहे थे, वो आज उन लोगों को साफ हो गई। कौन लोग विरोध कर रहे थे, इस बात की चर्चा नहीं हो रही। दरभंगा में एम्स बन रहा है, उसकी चर्चा हो रही। और नरेंद्र मोदी के साथ उसकी सराहना हो रही है। कुछ लोग आरोप लगाते थे कि जब एम्स बन गया है, उद्घाटन हो गया है, तो फिर मोदी क्यों आ रहे हैं। लेकिन जरा समझिए उन लोगों की मानसिकता, शायद उन लोगों को पच नहीं रहा है कि किस तरह यहाँ एम्स का शिलान्यास होगा। देखिए, वो सभा स्थल जहाँ पर मोदी सभा को संबोधित करेंगे, देखिए पूरी तरह अब लगभग बन चुका है। अब वो जो हैंगर है, जिसके अंदर स्टेज होगा, जहाँ मोदी बैठेंगे, मोदी भाषण देंगे, मुख्यमंत्री भाषण देंगे, और जहाँ करीब 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, इसके अलावा अलग अलग जगह। और हम बता दें, ये देखिए, ये बन रहा है आपको जो हेलीपैड। कल हम आपने दिखाया था एक ही लेयर था, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ कई लेयर पर काम है। अब ये 1000 स्क्वायर फीट में पूरी तरह अब ये तैयार हो चुका है। ये जो आपको हेलीपैड, ऐसे 6-6 हेलीपैड बन रहे हैं। और देखिए, जो हेलीपैड बन रहे हैं पूरी तरह अब आधा तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो आस्था फिलों के ऊपर रोजगार मिला देते गिराए जा रहे हैं, और इसको इस पर कैसे सेट किया गया है, ये देखिए। और इसके बाद ये देखिए, अब प्लास्टर है, इसका पानी पकाया जा रहा है। बस ये काम अब, बस समझिए, इस पर नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा और यहाँ से सीधे सभा स्थल के लिए वो गाड़ी से रवाना है। देखिए, बड़ी तेज गति से 1000 मजदूर यहाँ लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ ईंटा गिर रहा है, इस ईंटा को यहाँ पर बराबर किया जाएगा। ये ईंटा है और इस ईंटा को देखिए सीधा यहाँ से गाड़ी, दूसरा हेलीपैड आपको वहाँ बन रहा है। इस तरह अगर हम कहें तो कुल 6-6 हेलीपैड यहाँ पर बन रहे हैं। देखा ये कितना काम तेज गति से हो रहा है। देखिए, ईंटा लगाने की, देखिए यहाँ से जो बाहर से जो भी आए हैं, वो कितना तेज गति से लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। इन लोगों को टारगेट दिया है, कितने लोग हैं मजदूर। देखिए, एक तो एम्स बनने से यहाँ रोजगार बढ़ेंगे, ये तमाम वो लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। देखिए कैसे ईंटा को सेट कर रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। अगर एक देखें, दिखाइए उधर, एक वहाँ पर बन रहा है हेलीपैड, वहाँ देखिए एक हेलीपैड वहाँ बन रहा है, वहाँ देखिए एक उस तरफ दिखाइए सामने, तो ऐसे 3-3 हेलीपैड सामने हैं, एक हेलीपैड वहाँ बन रहा है। यानी कि 6 हेलीपैड बनाए जाने की संभावना है, 2 को रिजर्व में रखा जाता है, बाकी 4 कहाँ कहाँ होंगे, किस किस के लिए होंगे, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए हम जब पूछते हैं, तो यहाँ पर जो हेलीपैड जो बना रहे हैं, यहाँ उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कुछ जाना पड़ता है कैसे कितने यहाँ बन रहा और कितने से गुजर के काम हो रहा है। तो एक मिनट, ये जो अब कितना तैयार हो चुका है कल के अपेक्षा, अभी तो लगभग 60% से ऊपर काम हो चुका है। ये क्या बन रहा है, ये सड़क वहाँ, ये अप्रोच रोड बन रहा है। हेलीपैड से जो माननीय आएंगे, हाँ, उनका वहाँ से मुख्य मार्ग तक सभा जाने का, वो ये रास्ता से बन रहा है, ये सभा स्थल तक जाने का रास्ता बन रहा है। अच्छा, और बैरिकेडिंग भी लग गया चार तरफ। हाँ, बैरिकेडिंग। तो यहाँ कितने हेलीपैड बन रहे हैं,
यहाँ 6 हेलीपैड बनता है। तो अलग अलग किस किस जगह बन रहे हैं? 3 हेलीपैड ये सेंट्रल की बन रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री के लिए, 3 हेलीपैड वहाँ माननीय मुख्यमंत्री के लिए बन रहा है। अच्छा, तो ये सेंट्रल बना रहे हैं, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग भवन निर्माण के भवन निर्माण। अच्छा, यहाँ पर कितने यहाँ पर क्या जो है 1000 स्क्वायर फीट बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ किस लेवलिंग में हो रहा है? ये सब इसमें क्या है, जो पहले GSV का फिलिंग है, उसके बाद लोकल सेल की फिलिंग हुई है, उसके बाद 2 लेयर में इसमें ब्रिक फिलिंग हो रहा है, उसके बाद इसका जैन फिलिंग हो रहा है, उसके बाद एच लिखा है, उसके ऊपर जो भी टेक्निकल जो वो हेलीपैड का एच लिखा है। अच्छा, कितने मजदूर काम कर रहे हैं आप? लगभग यहाँ पर 250 मजदूर काम कर रहे हैं, 250 काम कर रहे हैं भवन निर्माण के। लगभग इस प्लॉट पर सेंट्रल में 250 मजदूर काम कर रहे हैं, स्टेट में 250 वाला काम, यानी कि आप इधर 3 जो बन रहे हैं सेंट्रल, जिस पर मोदी जी का मार्केट आएगा, मार्केट आएगा, उस पर लगभग 250 मजदूर अभी काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि ये कब तक आप हैंड ओवर कर देंगे? ये हम लोग का टारगेट है कि कल 4:30 बजे तक हम लोग। देखिए, 11 नवंबर की रात्रि मतलब शाम 5 बजे तक तमाम ये जो सभा स्थल है, जो एजेंसी काम कर रही है, उसको हैंड ओवर करना है, उसके बाद SPG उसको अपने हिसाब से लेगी। तो देखिए, ये देखिए जिस तरह काम हो रहा है, ये पूरी तरह गुणवत्तापूर्ण काम हो रहा है, और इसको ये सेंट्रल है यहाँ पर। देखिए, एक वहाँ, देखिए वहाँ पर काम चल रहा है तेजी से, एक वहाँ पर आ रहा है, और ये अप्रोचिंग रोड है। देखिए दिखाई जी, ये जो बन रहा है वो दिखाई, ये अप्रोचिंग रोड है, जहाँ से अगर नरेंद्र मोदी अगर उतरेंगे हेलीपैड से उस पर, तो वहाँ से इस रास्ते से सभा स्थल पर वो जाएंगे, जहाँ आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ हम बिले चलेंगे। तो वहाँ जो एजेंसी मुजफ्फरपुर से आई, जो हैंगर बना रही है, उन लोगों को भी कल 11 तारीख को 5 बजे तक हैंड ओवर करना है। इसलिए देखिए, अब लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको ये लगेगा ही नहीं, ये खेत है, ये बंजर उस समय जो था दलदल था, कह रहे थे यहाँ पर सांप ही भरा हुआ है, कई कह रहे थे। तो अलग अलग अटकलों के बीच आज दरभंगा एम्स की जो भूमि पूजन होगा, उसके द्वारा संदेश दे दिया जाएगा कि अब ये राजनीतिक अटकलों पर विराम लग गया और अब एम्स निर्माण प्रारंभ हो गया। तो देखते रहिए बिहार में, क्योंकि एम्स से जुड़ी हर अपडेट आपको हम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।